अगर इन जनरल देखा जाए तो हर बाइक की अपनी अपनी खूबियाँ और अपनी अपनी कमियाँ होती हैं। हर बाइक में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। किसी बाइक में कुछ अच्छा होता है तो किसी और बाइक में कुछ और अच्छा होता है। 2016 में बजाज ने एक बाइक को लॉन्च किया था जिस बाइक का नाम था बजाज V15 और 2019 आते आते बजाज ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब हालांकि ये बाइक जो है ये 2019 में बजाज ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन आज भी लोग जो है वो मेरे से पूछते हैं कि भाई मुझे ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बजाज V15 से रिलेटेड ऐसे 5 प्रोज बताने वाला हूँ और 5 कॉन्स बताने वाला हूँ, जिससे कि तुम लोग जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि बाइक तुम्हारे लिए बनी है या नहीं बनी है। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला प्रो पॉइंट है बजाज V15 के बारे में, वो पॉइंट है कि भाई बजाज V15 जो है वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। और ये जो चीज है ये मैं ऐसे मैं हवे में नहीं कह रहा हूँ, इस चीज का मैं पूरे पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अब तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैंने इसी बाइक पे एक दिन में लखनऊ टू बनारस किया था 1 go में। मैं इस बाइक को मैंने कंटिन्यूसली 6 घंटा चलाया है। इस बाइक ने मुझे कहीं पर भी धोखा नहीं दिया, ऐसा बीच में कहीं पर भी नहीं लगा कि बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तुम लोग आइडिया लगा सकते हो भाई कि ये वाली बाइक जो है ये कितनी ज्यादा रिलायबल है। अगर तुम लोगों को अगर एक बार में अगर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर अगर करना है कोई मुश्किल बात नहीं है। ये वाली बाइक जो है ये 500 किलोमीटर एक बार में सोचो कर सकती है। ये बात मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बेसिकली कह रहा हूँ। सो ये था बजाज V15 का पहला प्रो पॉइंट। अभी हम लोग चलते हैं बजाज V15 के पहले कॉन पॉइंट पे, है ना, कि सबसे पहली कमी क्या है इसमें। जो सबसे पहला कॉन पॉइंट है बजाज V15 के बारे में, ये कोई बाइक की गलती नहीं है, ये गलती है मैन्युफैक्चरर की, है ना। एक छोटी सी एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है इसकी बैटरी प्रॉब्लम। अब ये वाली बात जो है ये जग में जाहिर हो चुकी है कि बजाज V15 में जो सबसे बड़ा इशू है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक इशू है, लेकिन वो बहुत इरिटेटिंग इशू है ना। वो इशू है बेसिकली इसकी बैटरी। इस बाइक में बैटरी बजाज ने इतनी ज्यादा छोटी दी है कि मतलब वो बाइक का जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उसको हैंडल नहीं कर पाती है ना। बाइक में एक तो ये कंटिन्यूसली रनिंग हेडलैम्प इसमें मिलता है ना, ये हमेशा जलता रहता है। और इसकी बैटरी जो है बैटरी बेसिकली बहुत ही ज्यादा छोटी है, वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको हैंडल नहीं कर पाती है। अब ऐसा नहीं है कि इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये चीज मैं ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो के आखिरी में एक वीडियो आएगी, है ना, उस वीडियो को क्लिक करना, उसको देखना। उसमें मैंने मतलब सारे सॉल्यूशन बताए हैं बजाज V15 से रिलेटेड। अब ये जो बैटरी वाली प्रॉब्लम है ना, ये काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्लंडर था, पता नहीं उनका दिमाग छोटा था क्या था। मुझे अब ये नहीं पता है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन भाई बजाज ने इस बाइक में बहुत ही ज्यादा छोटी बैटरी दी थी, है ना, जिसको चेंज करवाना पड़ा मुझे। सो ये था बजाज V15 का पहला कॉन। अब हम लोग चलते हैं बजाज V15 के दूसरे प्रो पे, है ना, दूसरी अच्छी क्वालिटी बेसिकली क्या है इस बाइक में। तो जो दूसरी प्रो क्वालिटी है बजाज V15 में, जो दूसरी अच्छी बात है बजाज V15 में, वो बेसिकली ये है कि इस बाइक का लुक जो है ना वो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। ये बाइक जो है ये कैफे रेसर के मोड में पूरी बनाई गई है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई, इसमें आगे बड़ी सी टंकी है लेकिन पीछे से एकदम जाके फ्लैट हो जाती है। काइंड ऑफ इसको रेट्रो लुक देने की इसको कोशिश की गई है और उस कोशिश में भाई बजाज जो है वो 100% सक्सेसफुल हो गया है। अब मैंने ये वाली बाइक जो खरीदी थी वो मैंने इसी वजह से खरीदी थी, इसका लुक देख के। मुझे इस बाइक का लुक भाई बहुत ज्यादा पसंद है। ये बाइक पूरे रेट्रो लुक में आती है, एकदम मतलब मसली बाइक है ना, मसल वाली, मसली क्या शब्द होता है पता नहीं। जब मैंने जब बेसिकली ये वाली बाइक ली थी उस समय बहुत सारी बाइक्स में पल्सर और अपाचे को छोड़ के बहुत सारी 150 cc की बाइक्स में जो है वो डिस्क ब्रेक नहीं मिलता था, इस वाले बाइक में भाई डिस्क ब्रेक मिलता था। जो इस चीज को भी मैं इसी वाले पॉइंट में बेसिकली जोड़ देना चाहता हूँ कि बजाज V15 का लुक जो है वो एक नंबर है, मतलब रेट्रो लुक है पूरा। और इसमें फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है जो कि मतलब सोने पे सुहागे वाली बात है। सो ये था बजाज V15 का दूसरा प्रो पॉइंट, है ना, दूसरी खास बात। सो अब हम लोग चलते हैं बजाज V15 के दूसरे कॉन पॉइंट पे कि मतलब दूसरी कमी बेसिकली क्या है बजाज V15 में। तो जो दूसरा कॉन पॉइंट है बजाज V15 में वो बेसिकली यही है कि भाई बजाज में ना वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं। बाइक में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर मतलब वाइब्रेशंस हैं, है ना, हैंडल बार में वाइब्रेशंस होती हैं, फुट पेग्स में बेसिकली वाइब्रेशन होती है, और अगर कोई पिलियन अगर बेसिकली बैठा हुआ है इस साड़ी गार्ड पे बेसिकली बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होती है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये काइंड ऑफ जो मसल बाइक होती है उन सारे बाइक्स में आती है ये प्रॉब्लम। इस बाइक में बजाज को मसल बढ़ाना था, मतलब इस बाइक को थोड़ा सा मसल ही इसको बनाना
चलाना था, है ना। सो इसी के वजह से बजाज ने इसमें थोड़ा सा ज्यादा इसमें लोहा इस्तेमाल कर दिया और उसके वजह से बाइक में वाइब्रेशंस जो है वो बहुत ज्यादा फील होने लगे, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि बजाज को वाइब्रेशन कंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, जो कि बजाज ने नहीं किया आलस के वजह से, पता नहीं। सो ये था बजाज V15 का दूसरा कॉन पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं बजाज V15 के तीसरे प्रो पॉइंट पे। तो जो तीसरा प्रो पॉइंट है बजाज V15 का वो सिंपली ये है कि भाई बजाज V15 की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसके स्पेयर पार्ट्स बेसिकली सस्ते मिलते हैं, सर्विस कॉस्ट बहुत कम है। ऑब्वियसली मैं 150 cc वाले बाइकों के बारे में बात कर रहा हूँ। उन सारी बाइक्स में जो सबसे सस्ता स्पेयर पार्ट्स है वो बेसिकली बजाज V15 का आता है। सो यही है बजाज V15 की तीसरी क्वालिटी। वो तीसरी क्वालिटी बेसिकली ये है कि भाई इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके वजह से बाइक मतलब एफिशिएंट लगती है कि हाँ चलो इसमें ज्यादा इसमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा अगर बाइक अगर ले भी ले। सो ये था बजाज V15 का तीसरा प्रो पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं बजाज V15 के तीसरे कॉन पॉइंट पे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई बजाज V15 में बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू ना हो। जैसा कि अभी मैंने तुम लोगों को बताया, भाई पूरी बाइक जो है लगभग लोहे की बनी है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जो फाइबर के बने हैं, जो प्लास्टिक के बेसिकली बने हैं। जैसे तुम लोग ये इंडिकेटर देख लो, मेरे बाइक में जो इंडिकेटर लगा है वो आफ्टर मार्केट लगा है ना, वो ओरिजिनल इंडिकेटर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, बजाज V15 में जो फाइबर बेसिकली यूज किया गया ना, जो प्लास्टिक बेसिकली जो यूज की गई है, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड प्लास्टिक है ना, वो मतलब आसानी से टूट जाती है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक नहीं है। बजाज भाई को जो ओरिजिनल इंडिकेटर है ना, वो भी मतलब ऐसी प्लास्टिक से बना हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा आसानी से टूट जाता है। और जैसे एक और ये तुम लोग प्लास्टिक देख लो, ये भी आगे का ये जो मड गार्ड है ये भी प्लास्टिक का है। अगर बजाज अगर अपने बाइक में अगर प्लास्टिक को अगर थोड़ा सा अगर बेटर क्वालिटी का यूज करता, तो ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है ये बजाज V15 में नहीं आती। लेकिन जैसे कि हम सब लोगों को पता है भाई बजाज का एक ही काम है, मुझे कुछ नहीं पता है, तुम अपना देख लो। तो ये था बजाज V15 का तीसरा कॉन पॉइंट। अभी हम लोग चलते हैं बजाज V15 के चौथे प्रो पॉइंट पे, है ना, की चौथी खूबी बेसिकली क्या है बजाज V15 की। तो जो चौथा प्रो पॉइंट है बजाज V15 में वो बेसिकली ये है कि भाई बजाज ने बजाज V15 में टॉर्क जो है ना, टॉर्क एकदम भरपूर दिया है बाइक में। इतना ज्यादा बजाज ने टॉर्क दिया है कि मतलब उस समय 150 cc की बाइक्स में इतना टॉर्क जो है वो नहीं देखने के लिए मिलता था जितना बजाज ने बजाज V15 में दिया था। बजाज ने इस बाइक में बेसिकली दिया है 14 Nm का टॉर्क, है ना, बहुत ही कम बाइक्स थी जिसमें इतना टॉर्क मिलता था। सो ये जो है ये खास बात है बजाज V15 की कि इस बाइक में जो है वो टॉर्क बजाज ने भरपूर दिया है। जैसे ही खींचो भाई बाइक वैसे ही निकलती है, कोई लैग नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बाइक में टॉर्क जो है वो जबरदस्त है, जो कि बन जाता है इस बाइक का चौथा प्रो पॉइंट। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बजाज ने इसमें भी कुछ खेल ना किया हो, है ना, इसके इंजन के साथ बजाज ने ऐसा कुछ खेल ना किया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो यहीं पर ही साथ ही साथ मैं अपने चौथे कॉन पॉइंट को भी मैं गिन ले रहा हूं। तो चौथा कॉन पॉइंट बजाज V15 में यही है कि भाई बजाज ने ना बजाज V15 में टॉर्क तो दिया है, टॉर्क तो एकदम भरपूर दिया है, लेकिन भाई पता नहीं किस रीजन की वजह से बजाज V15 में पावर देना भूल गया, जिसकी वजह से इस बाइक पे जो पावर मिलती है वो 11-12 PS की पावर मिलती है, जो कि मतलब मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। भाई 11-12 की पावर कौन देता है यार, मतलब लानत वाली बात है, लिटरली लानत वाली बात है बजाज के लिए। सो बजाज जो है वो शर्मिंदा होकर बजाज इसको छुपाने के लिए इसकी जो टॉप स्पीड है उसको 110 पे लाके लिमिट कर दिया। सो बजाज V15 की जो टॉप स्पीड है वो 110 के ऊपर नहीं जाती है। भाई क्यों ऐसा क्यों किया गया है यार, पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है बजाज V15 का चौथा कॉन पॉइंट। सो अभी हम लोग चलते हैं बजाज V15 के पांचवे और आखिरी प्रो पॉइंट पे। जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि भाई बजाज ने बजाज V15 को रेट्रो लुक देने की कोशिश की है, जिस चीज में बजाज जो है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ है। बजाज V15 के रेट्रो लुक की वजह से इसके ऊपर ना मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जचता है ना, काफी सही लगता है। जैसे इसमें तुम लोग हैंडल बार देख लो, है ना, इसके ऊपर मतलब सूट करता है, हाँ चलो मस्त लग रही है बाइक, है ना। यही हैंडल बार अगर किसी और बाइक में लगा देंगे, जैसे अपाचे में लगा देंगे, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस वाले बाइक में ये वाला हैंडल बार सूट होता है। और इंटरनेट पे मैंने ऐसे बहुत सारे मैंने फोटोज और वीडियोज
देखी है जिसमें बजाज V15 को एकदम मस्त एकदम मॉडिफाई करवाया है। ये वाली बाइक जो है ना, ये मॉडिफिकेशन के साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब इस बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशन जो है वो हाँ मतलब रंग उसका चढ़ जाता है। सो ये है हमारे बजाज V15 का 5वां प्रो पॉइंट कि भाई बजाज V15 में मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा सूट होता है, क्योंकि इसका रेट्रो लुक है और रेट्रो लुक की वजह से मतलब काफी ज्यादा अच्छा लगता है मॉडिफिकेशन इसके ऊपर। सो ये था बजाज V15 का 5वां प्रो पॉइंट। हमारे पास अब 5वां कोई कॉन पॉइंट नहीं है। सो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ, है ना। आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि बहुत सारे लोग जो है वो कॉमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, है ना। सो मैंने ये वाली वीडियो बना दी जिससे कि उन लोगों को जवाब मिल जाएगा। अगर तुम लोगों को इसकी अगर खूबियां अगर पसंद है तो तुम लोग इस बाइक को ले सकते हो, लेकिन उस खूबियों के साथ कुछ कमियां भी आएंगी, है ना, जिस चीज को भी तुम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, अब आज के इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पर खत्म। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी या इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वाली वीडियो को नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना और मेरे इस चैनल को ओनली फॉर मोटर लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी मैं वीडियोस में बनाता रहता हूँ। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। चलो बाय बाय।